हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो आपके लाभ वाली साबित हो सकती है। अप्रैल माह में आपका जो कार्य दायित्व था उसको आप पूर्ण की हैं कि नहीं की हैं, इस वीडियो से आपको उस बात का संज्ञान मिल सकता है। आपके कार्य दायित्व की जानकारी मिल सकती है कि आपका कौन सा कार्य छूटा है और आप अपने कार्य का कल तक समय है अपडेशन कर सकती हैं। अगर आप कल तक अपने कार्य दायित्व का अपडेशन कर लेती हैं तो आपको जो प्रोत्साहन राशि 500 रुपया मिलती है उसके हकदार आप हो जाएंगे। तो पोषण ट्रैकर में अब माह अप्रैल में आपको कौन कौन से कार्य करने थे उसके बारे में हम लोग बताएंगे। मूलतः 8 वर्क होते हैं जो आपको माह के हर माह में कंप्लीट करने होते हैं। तो आपने उस काम को कंप्लीट किया कि नहीं, चलेंगे हम लोग पोषण ट्रैकर पर देखेंगे। उससे पहले आप हमको कमेंट करके बताइए क्या आपने अपने सारे कार्य को कंप्लीट कर लिए हैं। तो कमेंट करिए कौन कौन से कार्य आप कंप्लीट की है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे पोषण ट्रैकर पर। वहां से आप मिलान करिए कि आपका कौन सा कार्य दायित्व बाकी था। तो पोषण ट्रैकर पर बढ़ेंगे, उससे पहले एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे पोषण ट्रैकर पर और करते हैं आप पूरे माह का कौन कौन सा काम था उसका अवलोकन और कौन सा काम हमारा रेस्ट बच गया उसको करेंगे आज अपडेट और देखेंगे कि मेरा 100% कंप्लीट हुआ या नहीं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पोषण ट्रैकर पर और सबसे पहला जो कार्य दायित्व हम लोग देखेंगे ये डैशबोर्ड पर, ठीक है। डैशबोर्ड खोल के देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या कार्य किया है। तो सबसे पहले हम खोलते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड खोलेंगे तो हमारा जो पहला दायित्व होता है यही होता है आंगनबाड़ी सेंटर ओपन करना। तो मेरा सेंटर ओपन हो चुका है, ये ऑलरेडी एक काम मेरा हो गया है। दूसरा वर्क जो मेरा है वो है होम विजिट, देखिए, ठीक है। होम विजिट में 11 मेरा कंप्लीट है, 3 ड्यू है, ठीक है। तीसरा वर्क है जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, ग्रोथ मॉनिटरिंग मेरा 90 कंप्लीट है, पेंडिंग में 0 है। तो ये 3 वर्क आपको यहीं पे मिल गया। चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, ये काम भी हम लोग निपटाते चलेंगे इसमें कैसे कैसे करना है। हम लोग का सेंटर ओपन हो चुका है, 3 होम विजिट बाकी है। होम विजिट खोलेंगे और आज हम होम विजिट किए हैं, चूँकि कल संडे है इसलिए आज भी हम होम विजिट कर लेंगे। तो होम विजिट पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, कंटिन्यू हो गया। एक होम विजिट कंप्लीट मेरा, दूसरा भी कंप्लीट और तीसरा भी कंप्लीट। इसको ये बात देखिए, ये बात ध्यान रखना है कि कभी कोई होम विजिट आपको मिसिंग नहीं होने देना है, इसमें नहीं आने देना है। इसमें आने का मतलब आपका इंसेंटिव इफेक्ट पड़ेगा, आपकी प्रोत्साहन राशि पर असर पड़ेगी। तो ये आप लोग देखते रहिए, एक काम हम लोग ने कर लिया, ठीक है। एक काम हम लोग का ये था, दूसरा ये भी कंप्लीट हो चुका, तीसरा काम जो हम लोग का ये था ये भी कंप्लीट हो चुका है, 3 काम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आपको पिछला जो मेरा वीडियो आया था आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने यहाँ से होम विजिट कंप्लीट किया एक ही बार में, ये 3 काम हम लोग का कंप्लीट। चलिए पीछे बढ़ते हैं, अब आएंगे हम लोग मोड़ में, ठीक है। अधिक जो संग होता है इसमें, अधिक में आइएगा तो यहाँ पे घटनाएं होंगी, इवेंट होगा, हिंदी में घटना और अंग्रेजी में इवेंट। तो इवेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे। इवेंट में आपको योगा अगर आयोजित की है तो आप योगा फील करेंगी, अन्यथा छोड़ देंगी, ठीक है। VHSND आपको फील करना होगा, यहाँ पर देख सकती हैं ऑलरेडी मेरा फील हो चुका है, VHSND हो चुका है। इसके बाद आप कितना हो गया वर्क, 3 वहाँ हुआ था, चौथा ये हो गया, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ और 2 वर्क इसमें आएगा CBE में। तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के, 7 वर्क हम लोग को यहाँ निष्पादित हो जाएंगे, ठीक है। छठा ये वर्क हो गया, 7वां वर्क मेरा कंप्लीट है। 7 वर्क ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 8वें वर्क में जैसा कि आपको मालूम है कि इवेंट्स में क्या किया जाता है, चलिए आपको बता देते हैं एक बार। सबसे पहला जो काम होता है वो आपको गोद भराई का आयोजन होता है 7 तारीख को और फिर 19 तारीख को अनपराशन का आयोजन होता है। तो उसमें कुछ करना नहीं होता है, आप क्लिक करिए। अभी मेरा ऑलरेडी फिल हो चुका है इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपको डेट मांगेगा, पार्टिसिपेशन मांगेगा कितना था और सेविका सहायिका थी कि नहीं थी, ये चीज़ मांगेगा। तो सब कोई था तो सभी का भर देना है और सबमिट कर देना है। ये आपका 2 कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। 8वां काम हम लोग को जो मिलेगा वो इस बेनिफिशरी से मिलेगा, बेनिफिशरी वाले मेनू से। बेनिफिशरी वाले मेनू को जब हम लोग क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे हम लोग को आठवां वर्ग करना होगा, इसमें इसमें और इसमें। ये क्या होता है, इसमें THR जो आप वितरण की हैं वो चीज़ आप भरी हैं या नहीं भरी हैं, वो चीज़ यहाँ होता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं THR में बेनिफिशरी जो भी हैं, इस पर इसके 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि कोई भी कार्य जो होता है वो 3 डॉट से ही निष्पादित होता है, तो 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स है। ग्रोथ पर जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग का खुलेगा न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, मतलब कि आपके द्वारा THR दिया गया या नहीं, यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको जब खोलिएगा तो पूछ रहा है कि इज द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड, सॉलिड फूड मतलब मोटा अनाज खाता है बच्चा, तो यस करेंगे। टेक होम राशन उसको दिया गया तो यस करेंगे। कितने दिन का दिया गया, 25 दिन का दिया गया, 25 दिन करेंगे। एडिशनल सप्लीमेंट फूड अगर कुछ दी है तो इसको टिक करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। बाकी आप लोग को ये अगर NM बताई है, हीमोग्लोबिन टेस्ट उस्ट हुआ है तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हो, अदरवाइज सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका THR का रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा। आप ऐसे करके किसी का भी THR रिपोर्ट सबमिट सबका कल तक, कल अंतिम दिन है, कल तक आप कंप्लीट कर लीजिए THR, अन्यथा आपको जो है वो प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि या इसमें मेरा जो वर्क बाकी रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ THR का बाकी, बाकी मेरा टोटल कंप्लीट था। तो THR हम आज कंप्लीट कर लेंगे, आप भी कंप्लीट करिए। और आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, क्या बाकी था, वो कमेंट करके हमको बताइए कि आपको इस वीडियो से लाभ हुआ या नहीं, आपका जो काम छूटा था वो अपडेट कर ली या नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और दूसरे को भी शेयर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, पुनः